सुप्रभात बच्चों, आज हम संवाद लेखन करेंगे। संवाद लेखन के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि संवाद लेखन तीन प्रकार का होता है। संवाद लेखन में सरल भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए और संवाद लेखन में जब आप संवाद लिखेंगे तो उसके आगे जो संवाद बोल रहा है उसका नाम लिखेंगे। उसमें आप हेलो, हाय, की, कैसे हो, ऐसे शब्दों का कम से कम प्रयोग करेंगे। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है और आपकी ऑनलाइन शिक्षा हो रही है। तो आज मैं इसी पर आधारित आपको एक विषय संवाद के रूप में लिखने के लिए दूंगी। विषय है, कल्पना कीजिए कि आप जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद हैं। देश में व्याप्त कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने क्षेत्र की जनता से बातचीत संवाद रूप में लिखिए कि आप एक सांसद प्रतिनिधि हैं और जब आप वहां के अपने क्षेत्र के जनता प्रतिनिधि हैं तो आप कोरोना नामक बीमारी से निपटने के लिए 4 से 5 लोगों से बातचीत करेंगे। जब आप उन लोगों से बातचीत करेंगे तो कुछ लोग आपके पक्ष में होंगे और आपकी बात को समझेंगे कि हाँ, जैसे हम लॉकडाउन का पालन करेंगे कि हाँ, इसे निपटने के लिए वो अपने उपाय भी बताएंगी कि कैसे हमें लॉकडाउन का पालन करना है, कैसे इस महामारी से निपटना है। लेकिन उसी में से कुछ लोग विपक्ष के होंगे, वो कहेंगे कि नहीं, हम अपने घरों में नहीं रहेंगे, हम बाहर भी जाएंगे और अनेक धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे और हम इसको नहीं मानते कि किसी के छूने से या छींकने से यह महामारी होती है। बच्चों, इस विषय पर आप 8-10 वाक्य नहीं, कम से कम 20 या 25 वाक्य लिखेंगे। अब मैं आपको दूसरा विषय देती हूँ। गंगा नदी का जल स्वच्छ और निर्मल बना रहे, विषय पर 3 से 4 लोगों के मध्य संवाद लिखे। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी नदियां कितनी ही प्रदूषित हो गई हैं और लोग कारखानों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा सब गंगा नदी, यमुना नदी में फेंकते हैं। लेकिन अब सारे कारखाने बंद हैं, कूड़ा कचरा भी जाना बंद है, तो गंगा नदी अपने आप ही शुद्ध और स्वच्छ हो गई है। वह ऐसी ही स्वच्छ और निर्मल बनी रहे, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो ये आप संवाद रूप में लिखेंगे कि आगे चल के ये गंगा नदी हमारी प्रदूषित ना हो और गंगा नदी ऐसे ही स्वच्छ और निर्मल बनी रहे। बच्चों, आज के लिए इतना ही।